सोलस तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली आई एम बैक। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डाला है और हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा लीव लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने लीव लिया था और फाइनली आई एम बैक। और आप लोगों को अब आज से रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा और फाइनली आज के इस वीडियो में तीन नए अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आज की इस वीडियो में तीनों अपडेट के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, और जो लोग भाई हमें इतने से सपोर्ट कर रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद यार। काफ़ी मतलब मैंने वीडियो नहीं डाला तो काफ़ी लोग बोले कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रहा है, तो जो भी लोगों ने कमेंट करके पूछा बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए सबसे पहले आज के अपडेट के बारे में बात करते हैं। देखिए जो आज का सबसे पहला अपडेट है, काफ़ी लोगों को YT स्टूडियो में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक मैसेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी लोग बोल रहे कि भाई ये क्या है। ठीक है, मतलब कि इनको समझ में नहीं आ रहा है काफ़ी लोगों को, तो हम आपको बता दें दोस्तों ये एक अपडेट है। ठीक है, अपडेट नहीं है, YouTube एक सर्वे करा रहा है। ठीक है, इसमें जानना चाहता है YouTube कुछ मतलब कि क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारे आने से और कुछ क्रिएटर में क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, यही सब जानना चाहते हैं, जिसको बीओ पर ऑक्सफोर्ड मतलब इकोनॉमिक्स करके कुछ एक वेबसाइट है जो कि ये सर्वे को कंप्लीट कर रही है। दोस्तों ये मतलब सर्वे काफ़ी पहले दिन से हो रहा है, अभी फिलहाल आपको ये देखने को मिल रहा है YT स्टूडियो में, लेकिन ये आपको क्रोम के YT स्टूडियो में काफ़ी पहले से चल रहा था, जिसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया है। इसको आपको करने में 15 मिनट का टाइम लगता है कंप्लीट करने में इस सर्वे को। ठीक है, मैंने किया है, जो कि जो भी एक्सपीरियंस है उसको आपको पूछता है। जैसे कि आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नया पेज आएगा। ठीक है, इसमें आपको लैंग्वेज अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ पूछेगा आपसे सवाल। ठीक है, जो कि 15 मिनट टाइम लगेगा, YouTube आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछता है, 15 मिनट टाइम लगता है आपको इसको कंप्लीट करने में। अगर आप देना चाहते हैं, सर्वे कराना चाहते हैं तो कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन है उसको शेयर कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा और YouTube को कुछ लगेगा तो हो सकता है कुछ सुधार भी कर सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर अपडेट है, आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको लगाए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि YT स्टूडियो में कुछ चेंजमेंट हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले नीचे का जो डैशबोर्ड होता था उसमें चार ऑप्शन दिखाई देता था YT स्टूडियो में, लेकिन फिलहाल इसमें एक और नया ऑप्शन जुड़ चुका है मोनेटाइजेशन का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ्यूचर जैसे मोनेटाइजेशन, क्रिएटर सपोर्ट टूल्स और बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन जुड़ा है, क्रिएटर सपोर्ट यानी कि आप यूट्यूब से डायरेक्ट बात वगैरह कर सकते हैं, जो भी टूल्स वगैरह है सब कुछ देख सकते हैं। और आपको YT स्टूडियो के जो क्रोम है वहाँ पर जाकर आप मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं, आप यहीं से चेक कर सकते हैं YT स्टूडियो से ही। देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है आप सब्सक्राइबर का वॉच टाइम का सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं थर्ड नंबर अपडेट क्या है। दोस्तों थर्ड नंबर अपडेट जानने के लिए सबसे पहले आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन हो चुका है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ओपन हो गया, ओपन करने के बाद नीचे दिखाई दे रहा है चार ऑप्शन। ठीक है, एक और ऑप्शन था इसमें शायद प्लेलिस्ट का, जो कि गायब हो चुका है। सॉरी, इसके पहले हम चार ही बताए थे, लेकिन एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन था वो गायब हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कहा गया है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटेंट वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको जो कॉर्नर में सबसे लास्ट में प्लेलिस्ट का ऑप्शन जुड़ चुका है। ठीक है, पहले जो ये ऑप्शन था वो नीचे साइड में था प्लेलिस्ट का ऑप्शन, लेकिन फिलहाल ये कुछ इस कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर अंदर चला गया है। तो दोस्तों ये तीन अपडेट था, आपको तीनों में से कौन सा अपडेट अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइए। बाकी अनाउंसमेंट यही है, अगर आपने यूट्यूब चैनल पर काम करें, अगर आपके चैनल पर कुछ व्यूज नहीं आ रहा है, ठीक है, आप मेरे चैनल पर प्रमोशन कराना चाहते हैं, हालांकि मेरे व्यूज काफ़ी कम आ रहा है, लेकिन जितना भी आ रहा है अगर आप प्रमोशन मतलब कराना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एक अपना अच्छा से वीडियो मतलब बनाइए, शूट कीजिए अपने बारे में, चैनल के बारे में। आप हमें व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सेंड कीजिए, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और कम्युनिटी वगैरह पर शेयर करेंगे, आपको हो सकता है कुछ सपोर्ट मिल सके। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्या मतलब ऐसा जो वीडियो आता है उसको जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।